मैं हूं असद ज्ञानी स्पीड न्यूज से। नाजरीन, आज हम आपको लेके चलते हैं ज़िला जेहलम की तहसील सोहावा और सोहावा से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है गंडा। नाजरीन, चलते हैं गंडा की तरफ। गंडा के इर्द गिर्द बेशुमार गांव आबाद हैं और नाजरीन, इस एरिया की तकरीबन 75% आबादी बैरून मुल्क बिलखसूस यूके में मुकीम है रोज़गार के सिलसिले में, और 25% आबादी के लोग खेती बाड़ी और छोटा मोटा काम करके अपना रोज़गार कमाते हैं। नाजरीन, इस इलाके की ज़मीन में 3 किस्म का पानी आपको मिल सकता है, मीठा, नमकीन, कड़वा। इसके अलावा नाज़रीन, बाज़ जगहों पर जंगलात की वजह से जिन्नात के डेरे हैं और इनसे बाज़ लोग मुतासिर भी हुए हैं। इस जगह का नाम नाज़रीन लड़ है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे जिन्होंने अपनी इबादत के सिलसिले में यहाँ गोशा नशीनी इख्तियार की थी। इलाके के लोगों के मुताबिक इस जंगल से कोई शख्स अगर दरख्त वगैरह काटेगा तो उसे शदीद किस्म का नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, ये पहाड़ों के सेंटर से मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक छोटी सी रोड बनाई है जो मेन गंडा गांव की तरफ जा रही है, ना कि ये हुकूमत ने रोड तामीर की है, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है। नाज़रीन, यहां के पहाड़ ज्यादातर खुश्क हैं, सरसब्ज पहाड़ बहुत कम नजर आएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ की आबादी के लोगों को तालीम के असूल के लिए अपने बच्चों को तालीम हासिल कराने के सिलसिले में दूर दराज भेजना पड़ता है, और ये बच्चे दूर दराज तालीम हासिल करने के सिलसिले में जाते हैं। और ये नाज़रीन, गंडा गांव से के शुरू में ही एक मस्जिद कायम है, ये भी मस्जिद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाई है। ये नाज़रीन, अब मेन गंडा गांव में हम हाइट पे खड़े हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये दूर दराज छोटे छोटे गांव आबाद हैं। और ये वो मस्जिद है जो मैंने पहले आपको नाज़रीन बताई थी। और यहाँ पे जंगल वगैरह ज्यादा नजर आएंगे आपको नाज़रीन। अब नाज़रीन, हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं और ये देखें खेत वगैरह, और यहाँ पे माल मवेशी अपना घास वगैरह खाते नजर आ रहे हैं आपको। और अब मैं इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।